नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों कौन सा सवाल है? ये वो सवाल है जो बहुत से भारतीय लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और इसके चलते बहुत से लोग हमारे इस शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट से परहेज करते हैं कि भाई हम तो इससे दूर ही अच्छे। क्यों दूरी अच्छी? क्या सवाल है लोगों के दिमाग में? लोगों को ये लगता है दोस्तों, ये एक वहम बैठा हुआ है दिमाग में कि भाई शेयर मार्केट तो बस एक सट्टा बाजार है। जी हाँ, शेयर मार्केट में काम करना मतलब जुआ खेलने जैसा है और इसीलिए सवाल आता है कि इज शेयर मार्केट अ गैम्बलिंग? क्या ये सच में गैम्बल है? क्या ये सच में जुआ है? इस सवाल का जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शेयर मार्केट की अपॉर्चुनिटी से कोई भी बचा ना रह जाए और सबको हर अपॉर्चुनिटी का, इस बहुत बड़ी संधि का सबको फायदा होना चाहिए और इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा कि भाई शेयर मार्केट सच में जुआ है भी या नहीं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में शेयर मार्केट एक जुआ है। दोस्तों मुझे बताइए, सबसे पहले तो जुआ क्या होता है, गैम्बल क्या होता है? आप अपने लक से या अपने अंदाजे से कोई चीज, कोई दांव लगाते हो कि भाई हाँ ये यही पत्ता निकलेगा या यही नंबर निकलेगा या उस तरह से और भी बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन क्या उसके पीछे कोई वर्किंग होता है? क्या उसके पीछे कोई मेहनत होती है? दोस्तों ये तो आपने सिर्फ अपने पैसे का दाव लगाया और अपने लक पे, अपने नसीब से आप चांस पे, ये मैं कहूंगा ये चांस है, तो आप चांस लेते हो कि शायद मैं जीत जाऊं या मैं ना भी जीतूं, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है और बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि आप हारते ही हो। वो क्यों? उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों कि गैम्बलिंग में बहुत बार आप हारते क्यों हो। ये गैम्बलिंग करवाने वालों का एक तरीका है क्योंकि वो उनका बिजनेस है। हम उस पे नहीं जाएंगे, आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं कि ये तो गैम्बल हो गया, लेकिन क्या शेयर मार्केट में ऐसा है? दोस्तों फर्ज कीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे कैपिटल मार्केट में लिस्टेड है। अच्छा, मैं जो कंपनीज के नाम लूंगा ये मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर उनके नाम ले रहा हूं। तो शायद ये टाटा मोटर्स हो सकती है, ये रिलायंस कंपनी हो सकती है, ये वेदांता ग्रुप हो सकता है, ये सन फार्मा हो सकती है, ये महिंद्राज हो सकते हैं, ये आदित्य बिरला हो सकती है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में कार्यरत है और उनके शेयर्स भी मार्केट में लिस्टेड है। अब किसी भी कंपनी का आप उदाहरण लीजिए, कोई बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसे समझिए कि वो एक कार बनाने वाली कंपनी है। अब कोई कार बनाने वाली कंपनी को कितना सेटअप लगता है दोस्तों? बहुत बड़ी जगह लगती है, बहुत बड़ा लैंड लगता है, बहुत हेवी ड्यूटी मशीनरी लगती है, काफी इंजीनियर्स वहां पे काम करते हैं, पावर सप्लाई लगता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, बहुत सारी गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगती है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस लगते हैं। ऐसा कितना ही खर्चा उस कंपनी को चलाने में होता है और सबसे पहले उस कंपनी को स्थापित करने में होता है दोस्तों। अब ये पैसा आता कहां से है कंपनी के पास? कंपनी के ओनर या तो खुद का पैसा लगाएंगे, लेकिन इतना पैसा शायद ही किसी के पास होगा, या वो बैंक लोन ले लेंगे, लेकिन बैंक लोन कोई भी बैंक इतना बड़ा हजारों करोड़ का तो कर्जा नहीं दे देगी ऐसे ही। तो उसके साथ में कंपनीज जो है ना वो अपने शेयर्स इशू करते हैं बाजार में, और बाजार में शेयर्स इशू करने के बाद आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीदते हैं। और शेयर को खरीदना मतलब उस कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी के मालिक बन जाना उतने हिस्से के लिए। हाँ, जितने शेयर आप खरीदोगे उतने हिस्से के, लेकिन आप मालिक बन जाओगे और उस कंपनी में। अब देखिए, जैसे ही आप उस कंपनी के मालिक बन गए तो आपने वो पैसा दे दिया और आपके पैसे से वो कंपनी खड़ी होती है और वो कंपनी बड़ी भी होती है। जी हाँ, तो फिर उस कंपनी में जो भी मशीन आएगी, जो भी जमीन खरीदी जाएगी, जो भी लोगों को सैलरीज दी जाएगी, हजारों लोग ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जो भी वहां से गाड़ियां निकलेंगी, जो भी गाड़ियां बेची जाएगी, ये सब आपके पैसे के कारण हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने अपना कुछ
शेयर उस कंपनी में खरीदा है, शेयर यानी ओनरशिप का एक हिस्सा आपने खरीदा है, और क्योंकि आपने पैसा उस कंपनी वालों को दिया इसीलिए वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो पाई और हजारों लोगों को जॉब्स दे पाई। यानी आपके पैसों के कारण हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है दोस्तों, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कौन से हजारों लोग? सिर्फ कंपनी में काम करने वाले ही नहीं, उन गाड़ियों को बेचने वाले, उन गाड़ियों को साफ करने वाले, उन गाड़ियों के टायर्स बनाने वाली कंपनी अलग है, उन गाड़ियों के लाइट्स बनाने वाली कंपनी अलग है, उन गाड़ियों के सीट्स बनाने वाली कंपनी अलग है। इन सभी कंपनीज में जो भी जो शायद छोटी मोटी कंपनियां होंगी उन सभी कंपनीज के मालिक और उनके एम्प्लॉयज, इन सबका पेट भरा जा रहा है क्योंकि आपने उस कंपनी में शेयर खरीदा है दोस्तों। आपने उस कंपनी का कुछ ओनरशिप खरीदा और कंपनी को पैसा दिया, उसके बेस पर कंपनी बड़ी हुई और इसीलिए आज वो कंपनी बढ़ रही है और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लेकिन क्या ये सोशल सर्विस है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप उस कंपनी के मालिक बन गए हो तो जब ये कंपनी अपनी गाड़ियां बेचेगी और बेचती है और उनको बेचकर जब उसे प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट किसके लिए होता है दोस्तों? कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो अपने मालिक के लिए कमाता है। यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट में भी आपका एक हिस्सा होगा, और अगर कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे कहा जाता है डिविडेंड, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो वो आपका ही कंपनी में कैपिटल ऐड हो जाता है, और कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आपके शेयर के दाम भी बढ़ने लगते हैं। तो या तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा जिसे कहा जाएगा डिविडेंड, या आपके शेयर के दाम बढ़ जाएंगे जिसे कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, और दोनों ही सूरतों में फायदा आप ही का है। अब ये फायदा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत लगी हुई थी, हजारों करोड़ रुपए के एसेट्स लगे हुए थे और इसके कारण ये आपको पैसा आया है। अब आप बताइए कि क्या ये पैसा गैम्बलिंग से आया है आपके पास? क्या ये पैसा सट्टे से आया है? क्या आपने बाय चांस जीत लिया है? नहीं, आपने इसे जीता है केवल अपने दिमाग से। कैसे? क्योंकि आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट करने का चयन किया था, आपने सही कंपनी चुनी, सही कंपनी के शेयर्स को खरीदा और उसे होल्ड किया, उसे बढ़ने का मौका दिया। तो यानी सीधी बात है, आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाकर उस बड़ी कंपनी के छोटे से भागीदार या कह लो मालिक बन जाते हो उस हिस्से के, और इसी के साथ में आप हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, नौकरियां भी दे रहे हो, हजारों परिवारों का पेट आप भर रहे हो आपके पैसे के कारण, और साथ ही में ये आपके देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यानी आप एक राष्ट्र निर्माण का, अपने राष्ट्र को बड़ा करने का कार्य भी आप इसके साथ कर रहे हो दोस्तों। तो आप ही मुझे बताइए दोस्तों कि इतना बड़ा काम अगर आपके कुछ शेयर खरीदने से हो रहा है तो क्या आप इसे सट्टा करेंगे? क्या ये सट्टा बाजार है दोस्तों? कैन यू कॉल दिस गैम्बलिंग? दोस्तों इसका जवाब आपने खुद सोचना है और खुद को देना है दोस्तों। बस एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इन्वेस्ट करते समय किसी भी कंपनी की पूरी स्टडी किए बगैर, पूरा एनालिसिस किए बगैर, सिर्फ किसी ने कह दिया कि भाई ये कंपनी चलने वाली है, ये अच्छा शेयर है, ये दौड़ने वाला है, किसी के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। जब तक आप अपनी खुद की स्टडी ना करो किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना गलत है, वैसे मत करना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होंगे, उनकी सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करना दोस्तों। बस आपने कोई यूट्यूब चैनल देख लिया और उसमें बोला गया था ये आपका मल्टीबैगर होने वाला शेयर है, या आपके किसी दोस्त ने भेज दिया, या आपको कोई मैसेज आ गया किसी सोशल मीडिया ग्रुप पर और उसके कारण आपने वो शेयर खरीद लिया, तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों। आपका पैसा है, इसे संभल के यूज करना, और याद रखना शेयर मार्केट जुआ नहीं है। थैंक यू।